महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी घमासान ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा, दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा, कंगना रनौत के मामले में शिवसेना ने हद से ज़्यादा तूल दिया। कंगना कोई नेता नहीं है। आप दाऊद का घर तो तोड़ने गए नहीं, लेकिन आपने उसका बंगला तोड़ दिया। इससे पहले बीएमसी की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया और लिखा, ये एक तरह से राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है। आपको बता दें, इस विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। आठवले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की। कंगना ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए कंगना सोनिया गांधी से सवाल करती हैं। इस पूरे विवाद के बीच एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल कूद गए हैं। उन्होंने कहा है, कंगना पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रही है। कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए अब शब्दों का प्रयोग करके मुंबई का अपमान किया। सुरक्षित शहर की पुलिस बल की तुलना पाकिस्तान के साथ करना बेहद निंदनीय है। पुलिस के बारे में अपमानजनक बातें कहने का मतलब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।